पांडे 403 यस मिनिस्टर विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्य की कृषि मजदूरी दर में हुए संशोधन को अधिसूचित किए जाने हेतु दिनांक 22/1/2000 को एक पत्र लिखा गया। उसके पश्चात 26/2/2009 को एक पत्र प्रेषित किया गया। माननीय महोदय, इसके पश्चात दिनांक 26/3/2009 को पत्र प्रेषित किया गया। 11/5/2009 को पत्र प्रेषित किया गया। राज्य द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य की कृषि मजदूरी दर में हुए संशोधन को अधिसूचित किए जाने हेतु पुनः 10/6/2009 को पत्र प्रेषित किया गया और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में नवीन मजदूरी दर 80/83 को अधिसूचित किए जाने के संबंध में आपके यहाँ 19/6/2009 को भी अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य चूंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य है, इसलिए उस राज्य की तमाम जो भी आवेदन पत्र अभी तक आपकी और केंद्र सरकार की तरफ आए हैं वो लंबित हैं। उस पर एक दुराभाव से आज तक निर्णय नहीं हो पाया। ये मजदूरों के हित संवर्धन का विषय है। मैं माननीय महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि आप इन पत्रों पर कार्यवाही कब तक करेंगे। एक निश्चित सीमा अवधि में अगर इस सदन में आप उत्तर देंगे तो बेहतर होगा। बहुत बढ़िया। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में जो मिनिमम वेज है वो 75 रुपीज है और उसके बाद जब हमने नोटिफिकेशन निकाला 1/2/2009 को, उसमें नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर वेज है उसके आधार पर 60 रुपीज मिनिमम देने का प्रावधान किया गया है। उस नोटिस के बाद दोबारा वेज रिवीजन का काम अभी हमने नहीं किया है। आपने स्वयं ने सदन में सुना होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो कांग्रेस की सरकार यूपी की सरकार बनी है वो 100 रुपीज देने के लिए अपने आप को कमिट करती है। इसलिए ये जो घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने उसके आधार पर ये निर्णय करना हमारे पास अभी लंबित है। छत्तीसगढ़ ने 100 रुपये की मांग नहीं की है। हम तो इससे आगे बढ़कर जनता के सामने कमिटमेंट करना चाहते हैं। इसलिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले थे, उन्होंने पत्र भी दिया था, जैसे ही हम इसको रिवीजन करेंगे हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहती हूँ उनको प्रश्न पूछने दीजिए, दूसरा पूरक प्रश्न पूछने। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस निश्चित सीमा अवधि में करेंगे। अगर वो सीमा अवधि बता देते, आवेदन पत्र लंबित है, हम लगातार पत्र पर पत्र लिख रहे हैं। मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने जो अभी तक भेजा है आप उस किस सीमा अवधि में उसे पूरा करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। 100 रुपये देना चाहते हैं उसका स्वागत है, हमने जितना आप ज्यादा देना चाहते हैं हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आवेदन पत्र पर जो विषय लंबित हैं उस पर तो निर्णय करिए। वो सीमा अवधि में आश्वासन चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आसंदी से संरक्षण चाहती हूँ कि इस पर मुझे कम से कम निर्णय मिले। महोदया, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज में आपको मालूम है बजट रखा गया है, बजट पास होगा, हमें कम्युनिकेट होगा, कम्युनिकेट होने के बाद हमें स्टेप लेनी है। इसलिए हम अपने आप को कमिट कर रहे हैं 100 रुपीज की, आपको मांग 100 रुपीज की कर ही नहीं रहे। और हम क्या, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बोलिए। अभी उन्होंने पूरा किया नहीं है, आप उठ गए, पूरा तो करने दीजिए उनको, पूरा तो करने दीजिए, नहीं पूरा करने अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए, पूरा करने दीजिए उन्हें। सवाल का जवाब दिया मैंने 1/2/2009 को हमने नोटिफिकेशन, अध्यक्ष महोदय 1/2/2009 को हमने नोटिफिकेशन निकाला। उस एक्ट के अंतर्गत हमने कहा कि किसी स्टेट के जो एग्रीकल्चर वेजेस हैं उसके आधार पर हमने कहा है कि वो स्टेट उसको लागू करे। स्टेट गवर्नमेंट ने 60 रुपीज उसको फिक्स किया। उसके बाद हमारी सरकार ने कमिट किया है कि हम 100 रुपीज देंगे। ये माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, जैसे ही बजट सेशन समाप्त होगा इसके बारे में निर्णय लेकर ये काम करेंगे। राजनीति तो ये कर रहे हैं, 75 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए देने की हिम्मत नहीं है और बात कर रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ राजनीति कर रहे हैं। श्री के जे एस पी रेडी, श्री के जे एस पी रेडी।
आर प्रेजेंट श्री मुलायम सिंह यादव, श्री मुलायम सिंह यादव। अरे ये बोलिए, अब वो मुलायम सिंह जी को पूछने दीजिए प्रश्न। बैठे, उनको पूछे, आपको नहीं कह रहे, इनको कह रहे, बैठ जाए, आप पूछिए। आपका हो गया, आपका दोनों पूरक प्रश्न हो गया, मुलायम सिंह जी आप पूछिए। ठीक, अगर जवाब है ही नहीं, जवाब है ही नहीं, आप पूछिए, आपका हो गया। हमारा तो आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, अब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। ठीक, मंत्री जी को जो जवाब देना था उन्होंने दे दिया, मैं उन देखिए, ठीक है, मंत्री जी को जो जवाब देना था उन्होंने दे दिया है। आप प्रश्नकाल में आई कैन नॉट कंपेल द मिनिस्टर टू, नो नो नो, ठीक है, ठीक है, ठीक, जो जवाब मंत्री जी को देना था वो दे चुके हैं, अब आप मुलायम सिंह जी को बोलने दीजिए। बैठिए, बैठिए, मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी बोलिए। सदन व्यवस्थित हो जाए, मान्य दरबार, सदन व्यवस्थित, सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, आप आप बैठ जाइए, लीडर ऑफ द हाउस इज स्पीकिंग, बैठ जाइए, आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज जस्ट प्लीज सिट डाउन, गिव मी वन सेकंड, आई अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट्स ऑफ द मेंबर्स, आई विल रिक्वेस्ट माय मिनिस्टेरियल कॉलीग्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, दे कैन स्टेट द फैक्ट बट द वे ऑफ पुटिंग शुड बी सच दैट द मेंबर्स डू नॉट टेक एनी ऑफेंस एंड इन दिस रेस्पेक्ट most respectfully I would like to submit the honorable minister is correct because this was a budget announcement, budget has been passed here just now last week, please. If you want to reserve the question, so far the question I have announced, leader of the house ko sun lijiye, if you want to reserve the house, if you want to disturb the house, I can't help it. I am trying to help you. I am trying to help you. Please sit down. लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे थे, उनको पूरा कर लेने दीजिए, उन्होंने जिस बात पर आप को लगा है कि वो नहीं होनी, फिर वही बात, मैं वही बात कर रही हूँ, बैठिए, नहीं बैठिए, सिट डाउन, फर्स्ट यू सिट डाउन, गीता जी आप बैठिए, आप बैठिए, नो नो यू प्लीज प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज बैठिए, बैठिए, लीडर ऑफ द हाउस को पहले सुन लीजिए, वो इसी बात पर बोल रहे, पूरा कर दीजिए उन्हें, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। Yes. Have you completed? No, madam, yes. I wanted to say
That as leader of the house, I understand the sentiments of the members. Members expect the ministers to respond in the way they did not like it. But I am not answering the question, what is pending between the government of Chhattisgarh and the Department of Rural Development, the minister will answer. I was just clarifying one point which the minister referred to within the domain of all of you. He was referring about the presentation of the budget. That is the factual position. I am not commenting on the correspondence between the government of Chhattisgarh and the Ministry of the Rural Development. That is his job to do it. But I do feel, as a colleague, I will suggest to all my colleagues, ministerial colleagues, that they should not offend the members of the house. Yes. The leader of the house has rightly not commented on the nature of the reply which agitated members here. He's right to that extent. And I would expect the minister to be respectful towards state governments and not use the language that he used. That's all. If he were polite in his presentation, he has to answer replies. We have a federal structure in which the center should respect all states and the states should respect the center. This is federalism. That's all. And he should accept this. Sir, that I do agree. I feel concerned about this. We do agree that we have to respect the sentiment of the states. I do agree. It was not my intention. My intention was very clear. Sir, one minute. My intention was very clear. अध्यक्ष महोदय ये सदन के सामने आ जाना चाहिए. ये जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, उस सदस्य माननीय सदस्य के प्रश्न के पूछने के पीछे मंशा थी कि भारत सरकार ने 60 रुपए किए, स्टेट ने छत्तीसगढ़ ने 85 रुपए किए. 85 रुपए करने के समय ये उन्होंने चुनाव के पहले 85 रुपए किए. भारत सरकार 60 रुपए देगी, 85 रुपए आपको देना था. हमें जो निर्णय करना था वो निर्णय हमारे बजट होने के बाद में 100 रुपए करने का है. आपका जो लेटा है उसका जवाब देकर हम काम कर लेंगे. यही बात मैं कहना चाहता हूँ. हिम्मत दिखाइए. He should take back that word. हिम्मत क्या बात है? You take back that word. मेरा ठीक है. आप बैठे ना, बैठे तो सही. हम मैं आपको हाँ बोलिए. क्या अध्यक्ष महोदया मुझे माननीय सदस्य की भावना को ऑफेंड करने. एक बैठ जाइए. अध्यक्ष महोदया मुझे माननीय सदस्य की भावना को ऑफेंड करने का नहीं था. व्हेन आई से हिम्मत, आई से कैपेसिटी. इफ दे से अदरवाइज आई एम बिट राइट. हाल ही में डिफरेंस.